नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आईएएस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आज यूपी पेट की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, लेकिन यह आंसर की सभी सीरीज के लिए नहीं जारी हुई है, केवल एक मास्टर आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि मास्टर सेट आंसर की, मतलब जो मास्टर बुकलेट होगा उसी के लिए यह आंसर की जारी हुई है। तो सबसे पहला बात है कि ये पता करना कि मास्टर बुकलेट कौन सा है। तो चाहे आपका पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हो चाहे इवनिंग शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट का जो सीरीज ए है, ठीक है, सीरीज ए है वही मास्टर बुकलेट है। ठीक है, दोनों शिफ्ट का जो सीरीज ए है वही क्या है, मास्टर बुकलेट है, और उसी के सापेक्ष यह आंसर की जारी हुई है। और यदि आपका सीरीज ए है तो आप आराम से अपना आंसर यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। यदि ए के अलावा बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी है तो आपको थोड़ा मिलान करने में दिक्कत होगी, ठीक है, लेकिन आप फिर भी इसके सापेक्ष रख के अपना मिलान कर सकते हैं। ये इवनिंग का है, ऊपर मॉर्निंग शिफ्ट का था। और यदि आपको इसमें इस आंसर की में कोई आपत्ति मिलती है कि इसका ये आंसर नहीं होगा, गलत आंसर दिया गया है, तो आप अपनी आपत्ति 7/9/2021, मतलब 7 सितंबर तक अपनी आपत्ति आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। और दर्ज कराने के लिए क्या करना है, आपको upsc.gov.in की साइट पे जाना है। ऑब्जेक्शन राइज करके एक लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको रोल नंबर और जन्मतिथि डाल देना है, फिर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे आप, मास्टर प्रश्न पत्र के सापेक्ष अपनी आपत्ति अभिलेखीय साक्ष्य सहित ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। कहने के मतलब आपका बुकलेट कुछ भी हो, कुछ भी सीरीज है आपका रहा हो, लेकिन जो मास्टर बुकलेट है, ठीक है, मास्टर प्रश्न पत्र है, मतलब ए सीरीज है, उसी के सापेक्ष आप अपना अपनी आपत्ति ऑनलाइन पूरे साक्ष्य सहित दर्ज कराएंगे। ठीक है, यदि आप उसको ऑफलाइन भेज रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, और यह भेजने का लास्ट सबमिट करने का लास्ट डेट 7 सितंबर 2021 है। तो आप जल्दी से अपना आंसर की मिलान कर लीजिए। यदि आपको कोई त्रुटि है तो साइट पे जाकर आप उसकी आपत्ति दर्ज कराइए। बस आज के लिए इतना, एक छोटी सी सूचना थी, आप अपना मिलान कीजिए। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिएगा, तो हर सेट का अलग अलग आंसर की हम लोग बना देंगे। धन्यवाद।